नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास मैल और इस समय मौजूद है करनाल में, जहां पर आप देख सकते हैं कि डायल 112 की जो गाड़ियां हैं वो तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। बस एक कॉल दूर हम तैयार हैं 112 आपातकालीन वाहन, जो 32 गाड़ियां जो करनाल जिले को मिली हैं। हालाँकि आज उन 32 गाड़ियों को करनाल के SP गंगाराम पुनिया यहाँ पर हरी झंडी देकर रवाना यहाँ से करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से अपराध की गतिविधियाँ ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, उसी को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो आज इनको हरी झंडी देकर पूरे प्रदेश के लिए रवाना किया गया। वहीं हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो 32 गाड़ियां करनाल को मिली है, जिसमें 3 अलग अलग हलकों की बात की जाए तो उन पर गाड़ियों को वहां पर दिया जाएगा। जो सदर थाने में वहां पर उन्हें 3 गाड़ियां दी जाएंगी और 15 से 20 मिनट की दूरी के अंदर, ये 15 से 20 मिनट में वो आपके द्वार जरूर पहुँचेगी, जहाँ से कॉल की जाएगी 112 पर कॉल की जाएगी और 15 से 20 मिनट की देरी में ये आपके पास पहुँचेंगी। जहाँ पर रूरल एरिया की बात की जाए तो वहाँ पर ये 15 मिनट में आपको वहाँ पर मिलेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो पूरी गाड़ी अत्याधुनिक जो इसमें वो लगे हैं लैस है, उनसे कैमरे इनमें लगे हुए हैं और जो जीप अत्याधुनिक और लैस है उनसे, और वहीं हम आपको बता दें कि GPS सिस्टम इनमें लगा, जैसे ही आप कोई कॉल करेंगे तो आपको इस गाड़ी में जो ड्राइवर और जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो आपके पास मौके पर पहुँचेंगे। बस 15 से 20 मिनट की देरी में आपके पास पहुंचेंगे और वहां पर अगर कोई भी हाईवे पर या किसी भी गांव में कोई किसी प्रकार की वारदात या कुछ होती है तो वहां पर जो ये गाड़ी है वो यहां पर पहुंचेगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से GPS सिस्टम इसके अंदर लगा हुआ है, और आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से GPS सिस्टम से लैस है बिल्कुल, और अंदर ही कैमरे इसमें लगाए गए हैं ताकि उन कैमरों से पूरी निगरानी रखी जा सके, ताकि पुलिस पर भी कई तरह के आरोप ज़रूर लगा दिए जाते हैं कि उन्होंने उनकी तरफ से मिसबिहेव किया गया, और जो पुलिस के अधिकारी या कर्मचारी होंगे उनके शोल्डर पर भी इस प्रकार का कोई कैमरा लगाया जाए, और गाड़ी पर भी आप देख सकते हैं हर गाड़ी के फ्रंट पर एक कैमरा यहां पर दिया गया। और इस प्रकार की जो 32 गाड़ियां जो करनाल को मिली हैं, इन गाड़ियों की शुरुआत यहां से आज से डायल 112 के माध्यम से, आप डायल 112 पे कॉल करेंगे तो आपकी कॉल सीधा कनेक्ट की जाएगी और जो आपके आसपास जो भी गाड़ी होगी वो मात्र 15 से 20 मिनट में आपके पास वहां पर पहुंचेगी, और जो भी पुलिस के कर्मचारी और अधिकारी इसमें रहेंगे वो आपकी समस्या का वहां पर समाधान करेंगे, और जो नज़दीकी पुलिस है उनको भी वहां पर बुलाया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि बस एक कॉल दूर हम तैयार हैं हरियाणा पुलिस की तरफ से, जो पूरे प्रदेश भर में ये गाड़ियाँ जो फ़िलहाल दी गई, और जो पुलिस के यहाँ पर कर्मचारी उनसे भी हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो गाड़ियां जो काम करेंगी, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो कैमरे और कैमरे इसके अंदर लगाए गए हैं, और जो GPS सिस्टम जैसे ही आप उस पर कॉल करेंगे तो आपकी कॉल डायरेक्ट जो आसपास की गाड़ियां उससे कनेक्ट कर दी जाएगी और आपकी लोकेशन पर जो वो पुलिस वहाँ पर पहुँचेगी, और जो यहाँ पर जो इनके इंचार्ज हैं इनकी तरफ से जो जानकारी दी जा रही है वो भी जानने का प्रयास करते हैं। जो पुलिस के कर्मचारी हैं यहाँ पर हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो 32 गाड़ियाँ जो फिलहाल करनाल पुलिस को ये दी गई हैं, जिसमें से हालांकि सदर थाना जो कि उसको 3 गाड़ियाँ इनमें से मिलेगी, ताकि जो गांव के क्षेत्र हैं वहाँ पर 20 मिनट का इनकी तरफ से समय रखा गया, 20 मिनट में ये गाड़ियाँ वहाँ पर पहुँचेंगी। और बात की जाए अगर शहर के क्षेत्र की तो वहाँ पर 15 मिनट में आपके पास कोई भी समस्या होती है या किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ होती है, महिलाओं से लगातार छेड़छाड़ के मामले बढ़ रहे हैं, रोज़ाना लूटपाट की वारदातें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, कोई भी एरिया में जहाँ से आपके द्वारा कॉल की जाएगी तो तुरंत वहाँ पर ये गाड़ी आपके पास पहुँचेगी, और जो जो साथ की पुलिस वहाँ पर लगती है, जो थाना चौकी की पुलिस वहाँ पर आ जाएगा, उससे पहले जो पुलिस है डायल 112 करने पर पुलिस आपके पास पहुंचेगी। और जितने भी आप देख सकते हैं कि पुलिस के कर्मचारी यहां पर मौजूद है, ये सभी जिनके जो 32 गाड़ियां करनाल के रेंज को मिली, करनाल शहर को मिली, उनके जो पुलिस के ड्राइवर हैं जो कर्मचारी हैं वो सभी यहां पर मौजूद हैं। ये जो ड्राइवर हैं उस गाड़ी में मौजूद रहेंगे और डायल 112 करने पर तुरंत आपकी कॉल आपके नज़दीकी जो भी PCR ये गाड़ी आपकी रहेगी उससे कनेक्ट कर दी जाएगी, ताकि आपको तुरंत जो पुलिस की सहायता वो प्राप्त हो। अगर आपके पास कोई भी आपके साथ कोई लूटपाट की घटना होती है या किसी प्रकार की कोई वारदात होती है उसको लेकर तुरंत जो पुलिस के कर्मचारी आपके पास पहुंचेंगे, और जो वहां के नज़दीकी पुलिस है उसको भी संपर्क कर वहां पर बुलाया जाएगा। और फिलहाल जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस कई बार करनाल में भी जिस तरह से रात लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, और वहाँ पर जो पुलिस की उनकी तरफ से आरोप भी लगाए जा रहे थे कि पुलिस काफ़ी देरी से ज़रूर पहुँचती है, तो पहले इस प्रकार की जो समस्याएँ देखने
देखने को मिलती थी, लेकिन फिलहाल जो हरियाणा पुलिस की तरफ से अब डायल 112 जो गाड़ियां अब आपके द्वार पहुंचेगी। अगर आपको एक कॉल करने के 15 मिनट के अंदर शहर के क्षेत्र में 15 मिनट के अंदर गाड़ी आपके पास पहुंचेगी, और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जो 20 मिनट की जो टाइम समय यहां पर रखा गया और 20 मिनट में वो आपके पास पहुंचेगी। और ख़ास बात यह है कि इन गाड़ियों में जो यहां पर इंचार्ज है उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, सर क्या कहेंगे डायल 112 पूरे हरियाणा में शुरू, एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि पहले शिकायत रहती थी कि पुलिस समय से नहीं पहुँचती, तो अब किस प्रकार से डायल 112 काम करेगी और करनाल को कितनी गाड़ियां मिली हैं? करनाल को 32 गाड़ियां मिली हैं, जिसमें सिटी और सदर को 3-3 गाड़ियां मिली हैं, बाकी सभी थानों को 2-2 गाड़ियां मिली हैं। इनमें पहले क्या होता था भाई, थाने के अंदर व्हीकल जो, जैसे आपको पता है सूचनाएं, एक व्हीकल कहीं और गया हुआ था तो उसमें बिजी रहती थी वो, तो समय पर हर एक आदमी को सेवा तुरंत हेल्प पहुँचाना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब जैसे गाड़ियां एक एक थाने में 2-2 गाड़ियां आई हैं, तो ये उसको तुरंत हेल्प पहुंचाने में संभव रहेंगी। और 112 पे फिलहाल 3 सर्विसेज वहां पे स्टार्ट की गई हैं, उसमें पुलिस, हेल्थ और फायर। यहां पर भी आज ही जैसे अभी एसपी साहब अभी आएंगे और इस अभियान की यहां से भी शुरुआत अभी तुरंत से ही शुरू हो जाएगी, और अपने श्री विजय कुमार डीएसपी साहब हैं वो भी अभी आने वाले। पहले किसी भी समस्या के दौरान लोग 100 नंबर डायल करते थे, उसमें कहीं समस्या उनको आती थी, अब डायरेक्ट 112 डायल करेंगे और जो नज़दीकी जो उनके नज़दीकी पीसीआर होगा उससे कनेक्ट की जाएगी। हाँ, सरकार ने पहले जब ये प्रॉब्लम आई 100 नंबर पे, तो उस समस्या को दूर करने के लिए ही ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया है, और सरकार का इसके पीछे मेन उद्देश्य यही है भी हम तुरंत सभी को सहायता पहुंचाएं। ग्रामीण क्षेत्र के समय कितना रखा गया? ग्रामीण क्षेत्र का इसमें 20 मिनट और रूरल अपना सिटी एरिया का इसमें 15 मिनट में गाड़ी कॉलर के पास पहुंच जाएगी हर हालत में। करनाल के सभी हलकों में जाएंगी गाड़ियां? हाँ, करनाल के सभी थानों में 2-2 गाड़ियां, हर एक थाने में 2-2 गाड़ियां, जितने भी थाने हैं 2-2 गाड़ियां। सदर थाने में 3, सदर में और सिटी में 3-3, इनका एरिया थोड़ा ज्यादा है, इनके अंदर 3-3 गाड़ियां। तो अगर कोई भी किसी प्रकार की लूट की चोरी की वारदात होती है, अचानक से आपको कॉल आती है, तो जो नजदीकी गाड़ी होगी वो सबसे पहले? हाँ, उसको जो 112 हेडक्वार्टर है, जो 112 हेडक्वार्टर ही उसको वहां से अपना मार्क करेगा, हम इसको मॉनिटर करेंगे भाई पहुंचा है नहीं पहुंचा है। पुलिस के अधिकारियों कर्मचारियों पे कई आरोप लगते हैं कि वो कोई नशे में था या हमारे साथ बदतमीजी की गई, उसको लेकर क्या फीचर रखेगा? इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें गाड़ी के अंदर भी कैमरा है, बाहर भी कैमरा है, बॉडी कैमरा भी है, रिकॉर्डिंग भी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल कोई टोटल रिकॉर्डेड होगा तो किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगा पाएगा, और ना ही ये कह पाएगा भी गाड़ी मेरे पास समय पर नहीं पहुंची, क्योंकि उसकी लोकेशन गाड़ी की हमारे पास भी रिकॉर्डेड होगी, तो ऊपर भी हेडक्वार्टर में भी रिकॉर्ड। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ शमशेर सिंह जी, दोनों ने बताया कि किस तरह से जो लोकेशन है गाड़ी की वो भी ट्रैक की जाएगी, 3 जगह पर जो लोकेशन है वो ट्रैक की जाएगी। करनाल रेंज जो करनाल जिले को 32 गाड़ियां, हर थाने को 2-2 गाड़ियां दी गई है, हालांकि सदर थाना और सिविल थाने को 3-3 गाड़ियां यहां पर दी गई, और आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी है उसमें किस तरह से जो कैमरा, फ्रंट कैमरा भी आप देख सकते हैं कि फ्रंट कैमरा इसमें दिया गया, और जो यहां इसमें कर्मचारी अधिकारी होगा उनके शोल्डर पर भी एक कैमरा ज़रूर होगा, क्योंकि पहले भी कई प्रकार से आरोप लगा दिए जाते थे कि पुलिस के जो कर्मचारी अधिकारी मौके पर पहुंचे और नशे में थे, या उन्हीं पर दोबारा से आरोप लगा दिए जाते, उसी के मद्देनजर जो कैमरे की सुविधा भी इसमें दी गई है। हालांकि अगर आप कॉल करेंगे तो आपका जो जीपीएस के माध्यम से लोकेशन भी गाड़ी के अंदर पुलिस के जो कर्मचारी अधिकारी उनको मिलेगी, ताकि जो पीसीआर है उसे सही लोकेशन मिल सके और वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके, क्योंकि जो शहर का एरिया का जो मात्र समय रखा गया वो 15 मिनट रखा गया, और जो ग्रामीण क्षेत्र का रखा गया वो 20 मिनट का समय इनकी तरफ से रखा गया है। हालांकि जो करनाल को 32 गाड़ियां फिलहाल दी गई, और करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया कुछ ही देर में इन गाड़ियों को हरी झंडी कर यहां से रवाना करेंगे। करनाल से विकास महला, पंजाब केसरी टीवी, करनाल।